आज हम लोग भारतीय रेल में प्रयोग में आने वाले टॉयलेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि टॉयलेट का किस तरह से चेंज किया गया है। सबसे पहले जो भारतीय रेल में टॉयलेट यूज़ किया जाता है था वो ट्रेडिशनल टॉयलेट यूज़ किया जाता था, जिससे हमारा जो ह्यूमन वेस्ट होता था वो रेल की पटरी पर या रेलवे स्टेशनों पर जहाँ भी ट्रेन रुकती थी वहाँ पर सभी जगह क्या होता था कि जो ह्यूमन वेस्ट डायरेक्ट सीधे रेलवे ट्रैक पर गिरता था, उसे क्या होता था कि हमारा इन्वायरमेंट जो है सो गंदा हो रहा था, रेलवे ट्रैक में खराबी आ रही थी, बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे रेलवे में था। इससे निजात पाने के लिए बहुत दिनों से सोचा जा रहा था कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए, कैसे इससे निजात पाया जाए। तो उसी दौरान जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम में जो कारगिल युद्ध में हमारे सैनिक जवान जब वहाँ कारगिल में वहाँ रहते थे, वहाँ बहुत सा कैंप लगाया गया था, तो वहाँ जो टॉयलेट के लिए जो टॉयलेट सिस्टम बनाया गया था तो वहाँ जो टेम्परेचर कम था तो उसमें कम टेम्परेचर जो कम था तो उसमें वहाँ जो ह्यूमन वेस्ट था उसको डिकम्पोज करने में बहुत सा दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए डिफेंस ने क्या किया कि डीआरडीओ है हमारा संस्था ऑर्गेनाइजेशन जो एक डीआरडीओ है भारत सरकार का, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है कि जो कैसे आखिर ह्यूमन वेस्ट जहाँ मिनिमम जो जहाँ माइनस में टेम्परेचर भी हो और जहाँ हायर टेम्परेचर भी हो, दोनों बोथ कंडीशन में किस तरह से ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज किया जाए जिससे कि गंदगी नहीं फैले, दुर्गंध नहीं आए, हर जगह एटमॉस्फेयर भी क्लीन हमारा रहे। इसीलिए डीआरडीओ ने रिसर्च किया था और रिसर्च में ये एक पाया गया कि दो टाइप का बैक्टीरिया, एक तरह का खोजा जिसका कि नाम है एनारोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया, दो टाइप का बैक्टीरिया जो है सो खोजा गया, जिसमें कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसके लिए सनलाइट और ऑक्सीजन ये सब का जरूरी है, तभी जा करके वो ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज कर सकता है। लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसमें सनलाइट और जो ऑक्सीजन है इसके बिना भी वो सिर्फ बैक्टीरिया अगर है तो कोई किसी भी टेम्परेचर में वो ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज कर सकता है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, हम बैड स्मेल नहीं आएगा। इसी के लिए डीआरडीओ जो कारगिल में युद्ध हो रहा था उस टाइम में उन्होंने रिसर्च किया था ये। तो इंडियन रेलवे ने डीआरडीओ से ही बात करके सब एग्रीमेंट करके इन्होंने देखा कि हमारा जो जितना भी इंडियन रेलवे का जो टॉयलेट है, जहाँ की प्रत्येक दिन इंडियन रेलवे में हमारे कोच पर रेल में लगभग करोड़ों लोग सफ़र करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूमन वेस्ट मतलब प्रोड्यूस होता है। तो इसी को निजात पाने के लिए उस टाइम के जो मतलब रेल मंत्री थे और जो डीआरडीओ उस लेवल में मिनिस्ट्रियल लेवल में एक वार्ता हुई जिससे कि ये सामने आया कि किसी तरह से हम लोग वो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है तो उसको विथ मतलब बायोटाइंग के हिसाब से लगा करके हम लोग इंडियन रेलवे में भी उसका यूज़ किया जा सके। तो इसी की तरह हुआ, सबसे पहले 2011 में बुंदेलखंड एक्सप्रेस है जिसमें कि बायो टॉयलेट सबसे पहले लगाया गया और उससे क्या होता है उससे जो है सो ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज करके देखा गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जो कि हमारा सफल रहा। उसके बाद पूरे इंडियन रेलवे में क्लीन रेल क्लीन इंडिया प्रोग्राम एक निकाला इंडियन रेलवे, और जिसके तहत 2019 तक सब रेलवे सभी जितने भी कोच है सब में बायो टॉयलेट लगाने का प्रोविज़न रखा गया, क्लीन रेल क्लीन इंडिया के तहत ये रखा गया, जिसमें कि हम लोग आज लगभग बहुत सफल भी हैं। अब अधिकतर जगह बायो टॉयलेट आपको हर कोच में लगभग मिलेंगे। तो उसी बायो टॉयलेट में हम लोग देखेंगे कि जो बायो टॉयलेट कैसे होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, किस तरह से डिकम्पोज करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इसका क्या टेस्ट करते हैं हम लोग, ये सब सभी इस चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे कि आप
जैसा कि ये देख रहे हैं इस तरह से एक बायो, ये टैंक है, एक बायो टॉयलेट का एक ये टैंक है, टैंक है ये LHB। हम अब ज़्यादा ICF और LHB, अब ज़्यादा LHB को चल रहा है, पहले ICF चल रहा था। तो इस दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है, इसका डायमेंशन डिफरेंस है कुछ टैंक का, जो कि हम बाद में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें ये बायो टॉयलेट, ये टैंक, ये आपका बायो टॉयलेट टैंक है, जो कि ह्यूमन वेस्ट इसी में आता है और इसी में बैक्टीरिया हम लोग डालते हैं और ये होता है। ये सबसे पहले ये इसका साइज देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक स्टेनलेस स्टील टैंक लगा रहता है, नीचे में एक स्टेनलेस स्टील का टैंक लगा रहता है, जिसका साइज ICF में और LHB में अलग अलग होता है, जिसको कि हम लोग बाद में देखेंगे। उसमें क्या होता है, टैंक में उसमें उसको 6 कंपार्टमेंट में डिवीजन किया गया है, 6 कंपार्टमेंट में उसको बांटा गया है, जिसमें कि वो सीरियली नंबर 1 जो बांटा गया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बायो टैंक का इंटरनल पार्ट है, जिसको कि आपको 6 डिवीजन में बांटा गया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। इसमें होता क्या है कि हमारा ये 1 जो है, ये यहाँ हमारा क्या होता है कि ये ह्यूमन वेस्ट जो आता है वो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आता है, उसके बाद वहाँ से ये 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, फिर 5 में जाता है, 6 में जाता है, और 6 के बाद यहाँ से फिर आगे क्लोरीनेटर, एक क्लोरीनेटर रखा हुआ है, उसमें हमारा जो वेस्ट जो निकलता है वाटर, वो निकल के बाहर आ जाता है, ये आता है। ये बायो टैंक है, इसको जो स्ट्रेप है उसके थ्रू कोच में लगाया जाता है, और जो ह्यूमन वेस्ट जो हमारा ऊपर में जो टॉयलेट रहता है उससे इसको कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें होता यह है कि ये हमारा जो कमोड है ऊपर, कोच के ऊपर कमोड है, कमोड से जैसे ही ह्यूमन वेस्ट आएगा तो वो टैंक है। टैंक में एक अंदर में 6 टाइप का खाना बना हुआ है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 उसी से वो निकलता है। तो इसमें मेन हम लोग देखेंगे कि जो इसका फंक्शन कैसे करता है, ये जैसे कि कैसे फंक्शन करता है, जैसे कि सबसे पहले का पहला चीज़ है कि ये तो एक टैंक जो है सो लगा दिया जाता है, टैंक लगा दिया जाता है। उसमें क्या है कि बैक्टीरिया हम लोग 120 लीटर बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है सो 120 लीटर हम लोग दे करके उसको फर्स्ट टाइम में रिचार्ज कर देते हैं, और उसके बाद उसको यूज़ में हम लोग ले आते हैं। होता यह है इसमें कि जैसे ही आपका ये इसका कैसे ये फंक्शन करता है ये बैक्टीरिया, वो अब हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये ह्यूमन वेस्ट है, जैसे ही ह्यूमन वेस्ट वाटर जैसे ही बायो टॉयलेट में जैसे ही पहुंचता है वो, ये बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये डिकम्पोज करना शुरू कर देता है तो डिकम्पोज करना शुरू कर देता है और उसको अधिक मैक्सिमम जो है सो गैस में और पानी में उसको डिकम्पोज करके बाय प्रोडक्ट के रूप में वो वाटर और मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमारा उसका बाय प्रोडक्ट वो बनाता है। तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, ये हमारा क्या होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जो हमारा वाटर जो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो वाटर हमको मिलता है उसको वहीं पर बायो टैंक में ही एक क्लोरीन का टैबलेट और KMnO4 का टैबलेट रखने के लिए रखते हैं, जिससे कि वो पानी उस क्लोरीन के टैबलेट और KMnO4 के टैबलेट से होकर के जब क्रॉस करता है तो वो फाइनली वो एकदम शुद्ध प्योर वाटर के रूप में वो हमारा बाहर आउटलेट बाहर हमारा निकलता है, जो कि हमारा ट्रैक पर हो चाहे जहाँ भी कहीं गिरता है, जिससे कि हमारा वातावरण गंदा होता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट भी हमारा साफ रहता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जहाँ भी इस टैंक को लगाने से हुआ ये
कि जितना भी हमारा जो गंदगी था या ट्रैक जो ख़राब हो रहा था, वो हमारा ट्रैक ख़राब होने से वो बच गया, क्योंकि वहाँ अब ह्यूमन वेस्ट डायरेक्ट नहीं जा रहा है। जो इन्वायरमेंट गंदगी गंदा हो रहा था, जो हमारा क्लीन स्टेशन पर जो हमारा गंदगी हो रही थी, वो सब हमारा प्रॉब्लम समस्या का निजात इसमें मिल गया। अब इसमें देखना ये है कि इसमें कुछ जो डाटा है वो हम लोग देखना है। अच्छा, इसमें जैसे कि इसमें ये है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्लोरीनेटर, ये क्लोरीन ये क्लोरीनेटर है। इसी में हम लोग क्लोरीनेटर क्लोरीन का और MnO4 का टैबलेट इसमें हम लोग डालते हैं, और यहीं से जो है सो CS मतलब सैम्पलिंग आउटर बाहर आउटर फ्लो होता है, ये होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ डाटा है जो कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है या किसी भी जानकारी के लिए ज़रूरी है, कुछ डाटा रहना जरूर चाहिए। जैसा कि हम लोग आपको बताए थे कि ICF और LSB में अलग अलग टाइप का कुछ डायमेंशन है, उसका बायो टैंक जो है उसका डायमेंशन अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। जैसे कि इसमें लेंथ जो है इसका 1150 mm है, इसका लेंथ 1680 mm है, इसका विड्थ जो है सो 720 mm है, इसका विड्थ जो है सो 580 mm है, इसका हाइट जो है सो 540 है, इसका हाइट जो है सो 547 है, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है, ये देखना पड़ेगा। और ये इसमें है, ये एम्प्टी वेट है, इसका एम्प्टी वेट 110 kg है, इसका एम्प्टी वेट 115 kg है, ठीक है। और ये टोटल वॉल्यूम जो है सो ये 400 liters है, ये टोटल वॉल्यूम इसका 600 liters है, ठीक है। इफेक्टिव वॉल्यूम 300 liters है। इफेक्टिव वॉल्यूम 300 liters क्यों कम हो गया? क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि जो इसका टोटल वॉल्यूम 400 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम तो हम लोग यूज़ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो बायो टैंक रहता है उसमें बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए उस जो हमारा इंटरनल जो कंपार्टमेंट है उस पर पॉलीग्रास मैट हम लोग लगाते हैं, जिसका कि लगभग वो 10-11 mm के आसपास उसका थिकनेस होता है, वो हम लोग सब लगाते हैं, तो उससे कुछ वॉल्यूम हमारा रिड्यूस हो जाता है, और इससे वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम जो होता है वो 300 liters ही होता है, वो ठीक है। इसके बाद ये है कि जो बायो टॉयलेट जो लगाया जाता है तो वो तो ट्रैक से कुछ ऊपर रहता है, तो उसका हाइट जो है सो कम से कम ये है कि जो 225 mm से बिलो नहीं होना चाहिए। अगर इसे बिलो होगा तो हमारा है वो डेंजरस हो सकता है, कहीं भी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए ये 225 से हमारा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि बैक्टीरिया चार्ज, जैसे कि अगर कहीं हमारा नया बायो टॉयलेट किसी कोच में इंस्टॉल किया गया अगर, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआती दौर में एक 120 लीटर्स फर्स्ट टाइम में रिचार्ज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो कोच जा रही है तो उसमें जा रही है, अगर फिर सेकेंड टाइम का जरूरी अगर पड़ता है अगर, तो हम लोग 60 लीटर्स फिर सेकेंड टाइम में रिचार्ज करते हैं। इसके अलावा है कि जो हमारा सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया है, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कितना दिन कर रहा है, तो वो 3 से 4 months तक हमारा बैक्टीरिया वो सर्वाइव करता है, ठीक है। और इसमें ये इस बैक्टीरिया में ये खासियत है कि अगर उसको ह्यूमन वेस्ट अगर ये मिलते रहता है, सब कुछ मिलते रहता है, तो ये है कि वो डबल हो जाता है 6 से 8 hours में, वो क्वांटिटी उसका जो है सो डबल हो जाता है, उसका क्वांटिटी डबल हो जाता है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर माइनस डिग्री में भी ये काम करता है, ये जो बैक्टीरिया है वो माइनस डिग्री में भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें और कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स है कुछ वो देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि KMnO4 का टैबलेट है वो लगभग 80 ग्राम इसका वेट होता है, वेट ये क्लोरीन टैबलेट है उसका 100 ग्राम होता है। इसमें क्या है कि जो हमारा दो बायो टैंक है, जैसे कोच में दोनों साइड हमारा टॉयलेट होता है, तो नीचे में दोनों साइड में बायो टैंक जो है लगाया जाएगा, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो 500 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बायो डाइजर टैंक का जो बॉडी का थिकनेस है, जो बायो टैंक बनाया जाता है तो उसके बॉडी का जो स्टील का जो थिकनेस है वो कम से कम 3 mm होता है, और इनसाइड जो पार्टीशन में जो दिया जाता है वो 2 mm के आसपास इसका थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा वो राइजर पाइप जो होता है
उसका वो 62.5 mm वो इसका डाया होता है ये, ठीक है। ये पॉलीग्रास मैट थिकनेस है, जो हमारा पॉलीग्रास मैट जो लगाया जाता है, जो बायोटैंक का जो कंपार्टमेंट है उसमें हम लोग पॉलीग्रास मैट लगाते हैं, जो कि जैसा कि आपको हम बताए थे कि 10 mm से वो 15 mm तक इसका वो थिकनेस रहता है इसका। इसके बाद है हमारा कि ये तो बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो जहाँ जिस कोच में अगर बायोटॉयलेट लगा हुआ है तो एक ग्रीन बैंड का एक जो टॉयलेट ग्लास है उसके बाहर में एक ग्रीन मतलब नीचे एक ग्रीन बैंड रहता है, वो कोई कहीं किसी बहुत सा कोच में आपको दिया हुआ रहेगा, बहुत सा कोच में नहीं भी दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे ये हुआ कि क्या क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पैसेंजर ट्रेन में चलते हैं जिसको कि जानकारी नहीं रहती है, तो बायो टॉयलेट में होता क्या है कि जहाँ ये प्रॉब्लम आते रहता है कि कभी चॉक हो जाता है, कभी उसमें बदबू आने लगती है, तो ये सब चीज़ उसमें प्रॉब्लम आते रहता है, कभी बदबू आना, कभी चॉक हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आता है। तो चॉक क्यों होता है? चॉक इसलिए होता है कि जो पैसेंजर को या जो यूज़र हैं उसको ये जानकारी नहीं रहता है, उसमें क्या होता है कि जनरली वो फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक फेंक दिया जाएगा, कचरा फेंक दिया जाएगा, बोतल उसमें डाल दिया जाता है, तो क्या होता है कि बायो टॉयलेट चॉक हो जाता है तो स्वाभाविक है वो गंदगी फैल जाएगी। उसके अलावा क्या है कि हम लोग को इसमें ये सावधानी बरतना चाहिए कि इसमें नैपकिन हो चाहे बोतल हो चाहे ये सब चीज़ हम लोग को नहीं देना चाहिए। प्लस अगर साफ सफाई भी जो हम लोग करते हैं, जो बाय टॉयलेट के जो साफ करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल आते आ रहा है कि हम लोग डिटर्जेंट से साफ करते हैं, उसके अलावा और जो एसिड डाल के जो साफ करते हैं, तो इससे हम लोग को टॉयलेट साफ़ नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि उसे हम लोग साफ तो करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो टोटल का जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम लोग और एसिड यूज़ करते हैं, वो क्या होता है कि बायो टॉयलेट में सब चला जाता है अंदर, तो अंदर में तो हमारा बैक्टीरिया है, वो सर्वाइवल है बैक्टीरिया, वो क्या होता है कि उसे हमारा बैक्टीरिया मरने लगता है तो वो क्या हुआ कि मरने लगा तो अगर कम हो गया तो फिर वो बैक्टीरिया सही तरह से बैक्टीरिया अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर वो किसी यूज़ का नहीं है, वो उसका फिर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया अगर सही रूप से प्रॉपर अगर फंक्शन नहीं कर रहा है अगर, तो क्या होगा कि ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, जिससे कि बदबू जो है सो हमारे कोच में फैलने लगेगा। अब बदबू कोच में फैलने लगेगा तो इसी के लिए वो बैक्टीरिया हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ टेस्ट है जो कि हम लोग करते हैं इस मामले में। जैसे कि इसका कुछ वाटर जो हमारा बायो टॉयलेट में जो हमारा वाटर जो उसमें बाहर निकल रहा है उसका कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग ये पता कर पाते हैं कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर हमारा फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फंक्शन नहीं करता है तो फिर हम लोग उसमें बैक्टीरिया डालते हैं जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शन करे। तो उसका ये पैरामीटर्स है कुछ, जैसे कि pH वैल्यू है उसका 6-9 होना चाहिए, ठीक है। 6-9 की ये रेंज दिया हुआ है, ये टोटल सॉलिड है, ये मैक्सिमम है ये 750 mg/100 ml, ये है टोटल डिजॉल्व सॉलिड है ये 350 mg/100 ml, ठीक है। ये COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये जो है सो 2000 mg/L, ठीक है। ये FC है, फेकल कॉली फॉर्म्स काउंट, ये 99% रिडक्शन। ये चीज़ सब हम लोग टेस्ट करते हैं, इसके लिए सब जगह पूरा इंडिया में कुछ लैब को रिकॉग्नाइज किया गया है, इंडियन DRDO के द्वारा भी, DRDO और इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ को रिकॉग्नाइज किया गया है। जहाँ भी जिस डिपो में भी जहाँ भी ये प्रॉब्लम है अगर, वो अपना सैंपल लेके वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ चेक करके उसका रिपोर्ट आता है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर इसको आगे देखते हैं कि अगर फेल्योर रहा कुछ रहा फिर हम लोग रिचार्ज करते हैं। जैसे कि ये टेस्ट जो है हमारे यहाँ राजेंद्र नगर कोचिंग कम्प्लेक्स में जो है सो ये लैब एस्टेब्लिश है, जिसमें कि ये सारा टेस्ट उसमें टोटल का टोटल टेस्ट जो है सो होता है, और यहाँ अब तो सभी जगह से टेस्ट आने शुरू हो गए हैं सब। तो ये है, प्लस अब ये इससे क्या हुआ है कि ये है उसमें, और ये है कि टैंक को लगाने के लिए कुछ इसका कुछ कंपोनेंट्स हैं,
जैसे कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स है, माउंटिंग ब्रैकेट होना चाहिए, जैसे कि हमारा कोच लगाते हैं वो माउंटिंग ब्रैकेट 4 नंबर हो गया, सेफ्टी रोप जो है सो हमारा 4 नंबर लगता है, ये सब है, लॉकिंग प्लेट है 8 नंबर है, हेक्सागोनल हेक्स बोल्ट है, ये M16-17 का ये 16 नंबर है, ये आप लोग देख लीजिए, ये हेक्स नट M16 है ये 16 नंबर है, स्प्रिंग वाशर है ये 16 नंबर है, ये हेक्स हेड बोल्ट है जो कि M835 है ये 16 नंबर से, यू ब्रैकेट है जो कि 820x38 ये 8 नंबर से, ये सब ये जो है सो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आप लोग देख लीजिए इसको, इसका भी जानकारी रहना चाहिए कितने बोल्ट्स लगे हैं, कहीं अगर आपको नया इंस्टॉल करना है तो उसमें ये सब डाटा आप लोगों को काम देगा, ठीक है। इसके बाद इसमें है कि जो इससे हमको क्या क्या लाभ हुआ, कितना चीज़ लाभ हुआ, लाभ ये हुआ हमारा कि जो ये टॉयलेट ट्रैक को जो है हमारा जो ख़राब हो रहा था वो अब पहले जो है सो डायरेक्ट ह्यूमन वेस्ट जो जा रहा था उससे हमारा जंग लगता था सब जगह, वो अब लगना बंद हो गया है, तो वो एक फ़ायदा हो गया, वो संपूर्ण पूरा जो रेल हमारा एटमोसफेयर है उसको स्वच्छ बना दिया, प्लस हमारा पानी का भी खपत कम कर दिया, यह दुर्गंध रहित प्रणाली है, और अगर उसमें अगर जो अगर कहीं कहीं अगर दुर्गंध आता भी था तो अब बहुत कोचों में एक सिस्टम है उसका नाम है वेंचुरी मीटर, वो बहुत जगह वो वेंचुरी मीटर भी प्रोवाइड किया गया था, इसके अलावा हमारा ये है, ठीक है। ये तो आपको ये तो बता ही दिए हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया का ये कुछ विशेषता है जो कि इसको 120 लीटर से चार्ज टैंक में डाला जाता है, ये 6 से 8 घंटे में ये दोगुने हो जाते हैं, 3 से 4 महीने तक ये परिवेशी तापमान में रह सकते हैं, ठीक है, ये माइनस इतना डिग्री से इतना डिग्री तक ये तापमान पर काम कर सकता है ये, ठीक है। संपूर्ण प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, इसमें ये चीज़ हो गया ये इसमें, ठीक है। इसमें कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें ठीक है, ये देख सकते हैं ये सब इसका लाभ हुआ टोटल, ठीक है। तो ये है हमारा बायो टॉयलेट का ये विशेष, अब आगे हम जब बात कभी करेंगे तो इसमें जो बायो टॉयलेट का जो टेस्ट जो होता है वो हम आप लोगों को लैब में दिखाएंगे कि टेस्ट इसका कैसे किया जाता है, दूसरा एक प्रैक्टिकल हम लोग दिखाएंगे, कि किस तरह से इसका अगर कोई चौक जाम हो गया या कुछ हो गया तो उसके बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे। जहाँ तक बात है कि पहले बायो टॉयलेट हमारा पी ट्रैप का आता था, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा पी ट्रैप का, पहले ये पी ट्रैप का आता था, अब ये पी ट्रैप नहीं आ करके अब एस ट्रैप का आ रहा है, ठीक है, अब हमारा एस ट्रैप का आता है। ये तो पी ट्रैप में क्या होता था कि इससे ये हमारा ह्यूमन वेस्ट इसमें पहुंचता था, इसमें एक ये हैंडल स्लाइडर लगा हुआ रहता था, इसी स्लाइडर अगर कोई कुछ डाला अगर कमोड में या कमोड या टॉयलेट सीट में अगर कुछ डाल दिया गया अगर, तो ये इसमें आके यहाँ फंसता था, और ये हमारा हैंडल मैनुअल स्लाइडर ये हैंडल है, तो हैंडल को इसको बाहर ऑपरेट करने के लिए हम लोग बॉल वाल्व सिस्टम, पैडल सिस्टम, अनेक टाइप का सिस्टम लगाए थे कि अगर कोई जाम हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग ऑपरेट करके इसको स्लाइड करवा लें, जिससे कि जो भी अगर इसमें कुछ अटका हुआ हो, फंसा हुआ हो, वो क्या हो तो नीचे गिर जाए, ठीक है। तो अब हम लोग ये सिस्टम हटा दिए हैं, ये सिस्टम अब लगभग हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, कभी बॉल भाल में प्रॉब्लम आ रहा था, कभी जो इसमें जो हमारा वायर सिस्टम लगा रहता था तो उसमें कोई फॉल्ट आ गया, कुछ अगर फंस गया तो उसमें ये साफ ये हो नहीं पाता था। तो अब क्या हुआ है कि हमारा एस ट्रैप आ गया है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये एस ट्रैप का आ गया है। अब एस ट्रैप में क्या होता है कि जो हमारा कमोड है या टॉयलेट सीट जो है उसी में क्या किया गया है, नीचे में एक जालीनुमा बना दिया गया है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर जैसे बोतल डाल दिया या नेपकिन डाल दिया या कोई भी प्लास्टिक का कोई भी सामान डाल दिया, तो वो ये बायो टॉयलेट टैंक के अंदर वो नहीं जाएगा, वो ऊपर में ही फंस जाएगा, जिसके कारण वो चौक हो जाएगा,
चौक हो जाएगा तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग बाहर से ही उसके टॉयलेट के अंदर जा करके बाहर से ही उसका इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, जिसे वो पकड़ करके ऊपर से ही साफ हम लोग करते हैं। इसीलिए अब सब जगह एस ट्रैप का हम लोग जनरली देखते हैं, जो कैसे साफ़ करते हैं ये सब हम लोग नेक्स्ट जो फिर बायो टॉयलेट पर हम लोग बात करेंगे या बायो टॉयलेट का बात होगी तो हम लोग फिर उसमें ये बात करेंगे। यही बायो टॉयलेट का ये है अब जो है सो, इसे स्वच्छता में हमारा ये हो गया कि जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके पीछे उसमें हमारा ये बायो टॉयलेट बहुत सा योगदान किया, क्योंकि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में साफ़ करने में बायो टॉयलेट का बहुत बड़ा योगदान है।